सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका व्लॉग। तो आज की व्लॉग बहुत ही खास, क्योंकि आज का व्लॉग है एक शॉपिंग व्लॉग, क्योंकि अभी मैंने जल्द में ही अभी थोड़ी सी शॉपिंग करी हुई है, अभी एक दो दिन में ही शॉपिंग करी है और कुछ सामान मैंने ऑनलाइन ही मंगाया है, तो आपको आज मैं वही दिखाने वाली हूँ। तो मैंने छोटी सी शॉपिंग करी थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ। और हाँ, जन्माष्टमी भी आ रही है तो मैंने अपनी कान्हा जी के लिए भी थोड़ी सी शॉपिंग करी है, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आज मैंने शॉपिंग में क्या क्या दिखाने वाली हूँ। आज आप देखोगे तो कहोगे कि वाह क्या शॉपिंग है। तो आपने भी अपनी कान्हा जी के लिए शॉपिंग की होगी, तो मेरा बहुत मन था शॉपिंग करने का उनके लिए, हर बार ही करती हूँ बट इस बार मैंने कुछ अलग भी शॉपिंग करी उनके लिए, तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी आपको। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए पहले शॉपिंग दिखा लेती हूँ आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखाने वाली हूँ आपको एक कुर्ती, जो कि मैंने अभी जल्द में ही खरीदी है। ये देखिए, ये ब्लैक कलर की कुर्ती है ये, तो ये इसका ऊपर का ये देखिए, और ये सारे प्रिंट हो रखे हैं आप देखोगे, ये सारी प्रिंटेड ही है ये। और ये देखिए, तो इसके स्लीव्स में भी ये देखिए ऐसी छोटी छोटी सी प्रिंट है, तो ये है सारी ये, और ये तो ये सारी ऐसे ही नीचे तक है, और जैसे ये आपको ऊपर दिख रही थी वैसे ये नीचे की इसकी नीचे की साइड में दिया हुआ है। तो कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगी, ब्लैक कलर की कुर्ती मेरी फेवरेट है, ब्लैक कलर मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, तो इसलिए मैंने ये ब्लैक कलर की कुर्ती ली है। तो आगे दिखाती हूँ, और मैंने ना कुर्तियों के कपड़े कुछ लिए हैं तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, आप बताना कैसे लगे आपको। तो एक मैंने ये कुर्ती का कपड़ा लिया हुआ है, ये देखिए ये ब्लू कलर का ही कपड़ा है, तो ये प्रिंटेड है, ये देखना छोटे छोटे इसमें से फूल से बने हुए हैं, और इसमें ना थोड़ा सा ना वैसे गोल्डन वाला भी वो है, फॉइल प्रिंट भी है थोड़ा सा, तो ये तो बाद में निकल जाएगा बट और तो नहीं निकलेगा, लेकिन मुझे इसकी प्रिंट अच्छी लगी तो मैं इसकी कुर्ती बनवाने वाली हूँ। और सेकेंड मैं दिखाती हूँ आपको एक और कुर्ती का कपड़ा, ये भी एक कुर्ती का ही कपड़ा है, ये दूर से ऐसा लग रहा है बट ये कलर ऐसा है, क्योंकि ये देखिए अभी सही आ रहा है फोकस ना, फोकस से कलर थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। तो ये मैंने लिया, ये मैंने ना फ्रॉक के लिए लिया है, फ्रॉक बनवाने के लिए, तो मैंने सोचा इस बार फ्रॉक वाली कुर्ती बनवाती हूँ, तो इसको फ्रॉक वाली कुर्ती बनाऊँगी, और जो ब्लू वाला था उसे सिंपल कुर्ती बनवाऊँगी, और जब बनवाऊँगी तो आपको जरूर दिखाऊँगी कि कैसे लगी, ठीक है। अब दिखाने वाली हूँ मैं आपको अपने बैंगल, अभी मैंने बैंगल्स भी खरीदे नए नए, तो फिर मैं गई थी मार्केट तो मैंने कहा कि नहीं बैंगल्स भी ले लेते हैं, तो ये देखिए ये मैंने ये वाले बैंगल्स लिए हैं, ऐसे वाले बैंगल्स ना मेरे को बड़े पसंद है, तो ये वाले बैंगल्स लिए थे। तो ये मुझे 50 के पड़े थे ये बैंगल, तो ये वाला मैंने बैंगल्स लिए, और एक ये वाला बैंगल लिया है, ये वाला बैंगल, तो ये भी इसमें भी ऐसे छोटे छोटे से इसमें ये नग लगे हुए हैं, अच्छा लगता है ये भी बैंगल्स आजकल बहुत अच्छा लगे हुए हैं, तो फिर मैंने कहा चलो इसको भी ले लेते। और लिए हैं ये दो बिंदी के पत्ते, ये क्योंकि अभी सारे अब तो सारे त्यौहार ही त्यौहार आने वाले हैं, सारे ही फेस्टिवल के सीज़न अब आ चुके हैं, तो मैंने कहा हर फेस्टिवल के लिए क्या वो है, कोई भी साड़ी या सूट पहनो तो उसकी कलर की बिंदी होनी चाहिए, तो यहाँ से मेरी शॉपिंग होती है खत्म। अब मैं दिखाने वाली अपनी कान्हा जी की शॉपिंग, तो आई होप आपको पसंद आने वाली है, दिखाऊँ मैं अपनी कान्हा की शॉपिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिया है एक ये, इसको आप इसमें ना टीका वगैरह रखने के लिए ये रखना होता है, जैसे रोली टीका और अक्षत रखना होता है, तो एक मैंने ये लिया हुआ है, इसे क्या बोलते हैं चौकठा क्या बोलते हैं, तो चार वाला ये मुझे लेना था बहुत ज़रूरी, तो मुझे दिखा तो मैंने ले लिया, ये मुझे 50 का पड़ा तो ये मैंने ले लिया है। और एक लिया मैंने ये दिया, तो ये 30 का था तो ये मैंने लिया है। फिर इसके बाद मैंने लिया है एक वो छाने वाला धोता कपड़ा, ये मैंने लिया है तो वो बहुत अच्छा था। और लिया है मैंने ये अपने कान्हा जी के लिए कपड़े छोटे छोटे से, बहुत क्यूट से लगते हैं ये छोटे छोटे से कपड़े, तो ये मैंने कान्हा के कपड़े लिए हुए हैं, तो दो ये ली थी मैंने माता की चुनी,
ये तो 10-10 के बोले थे और वो था 30 का। और ये है मुकुट, और लिया है मैंने पिंक कलर का उनके लिए। ये मुकुट ना मेरे को बहुत क्यूट लगा था, तो इस बार मैं उनको उनके बर्थडे पर मैं पिंक सा पहनाने वाली हूँ, तो मैंने ये लिया है उनका मुकुट। ये मुझे 20 का पड़ा था ये वाला मुकुट। और ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ सर, ये वाला वो ड्रेस पहनेंगे अपने बर्थडे पर, ये देखिए। तो क्यूट सा लग रहा ना, तो बहुत क्यूट लगा था मुझे, तो मैंने सोचा इस बार मैं उनको पिंक ड्रेस पहनाऊंगी। पिछली बार मैंने सारी ने ग्रीन ड्रेस पहनाई थी, तो इस बार मैंने सोचा उनके लिए फिर पूरा पिंक सेट लेते हैं। तो मैंने इसमें काना दी के लिए इस बार पिंक कलर लिया है, तो ये लिया था मैंने। और एक और उनकी ड्रेस ली थी ये येलो कलर, तो अगले दिन उनको दूसरी ड्रेस चेंज करनी होती है, तो फिर मैंने कहा कि चलो ले लेते साथ में, तो एक ये ड्रेस ली है येलो कलर की, तो ये भी अच्छी लग रही थी। तो ये भी मुझे ये, लेकिन ये वाली ड्रेस मुझे महंगी मिली थी, ये मुझे 50 ही मिली थी ये वाली ड्रेस, और ये वाली थी ये 30 की थी। तो ये सारी उनकी ड्रेसेस ली थी। और अब आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाने वाली हूँ मैं, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने कान्हा जी के लिए मैंने लिया है ये पालना। तो ये देखिए, ये लिया है पालना, जिसमें कल हमारे लड्डू गोपाल जी इसमें बैठेंगे, तो ये उनके लिए इस बार मैंने ये अलग से, बहुत ही मतलब मुझे बहुत इनसे शौक था कि मैं उनको पालने में झुलाऊँ, तो मैंने ये पालना लिया है, तो मुझे बहुत पसंद आया था ये। तो ये काफ़ी महंगा उन्होंने बताया था, ये 200 का बताया था, बट हमें ये 150 का मिल गया था ये। तो यहाँ देखिए, ये लिए बहुत प्यारा लगा था मुझको और बहुत शौक था काफ़ी टाइम से, तो यहाँ पर मैंने लिया फिर गाना जी के लिए पाल। और लिया है मैंने अब अपने मतलब कान्हा जी के लिए तो लिया ही है, तो अपने घर के लड्डू गोपाल जी के लिए भी लेना, मतलब बाबा के लिए भी कुछ लेना तो बनता है। तो फिर मैंने सोचा कि अब कान्हा जी के लिए कपड़े लिए हैं, तो अब जैसे जन्माष्टमी पर फिर बाबा भी कुछ पहनेगा, तो उसका ना जो छोटा पहले वाला वो था ना, उसका ड्रेस जो था कान्हा जी वाला जो ड्रेस होता है वो कुर्ता पैजामा, तो उसका वो छोटा हो गया था, तो इस बार मैंने उसके लिए दूसरा लिया। ये लिया यहाँ पर, ये श्री राधे लिखा हुआ है, ये कैमरे में आपको उल्टा दिख रहा होगा, बट ये श्री राधे लिखा हुआ है, और इसमें ये पूरे में ये वर्क हो रखा है, एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, ये मोर बने हुए हैं। तो ये लिया है उसका, तो ये ऊपर का है ये टॉप, और ये है उसका बॉटम। तो ये वैभव के लिए लिया है, येलो येलो कलर अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा कि चलो अब कान्हा जी जब है तो मतलब सभी छोटे छोटे लड्डू गोपाल ही हैं घर में, तो फिर मैंने कहा चलो अपने कान्हा के लिए भी हम ले लेते हैं। तो यही थी शॉपिंग, तो ये थी, तो ये हमने जो शॉपिंग करी। और अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको ऑनलाइन शॉपिंग, तो ऑनलाइन शॉपिंग 2-3 शॉपिंग मैंने की है, तो मैं जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ, काफ़ी टाइम हो रहा है। तो ऑनलाइन शॉपिंग में हमने लिया है ये एक बैग, ये स्कूल बैग है, तो मैंने एक्चुअली 2 बैग लिए हुए हैं, तो एक बैग अभी वैभव के पास है, तो मैं अभी वो भी दिखाती हूँ आपको। तो ये दोनों बैग हमारे कल ही रिसीव हुए हैं, ये वाला बैग, क्योंकि उसका बैग एक्चुअली ख़राब हो गया था, तो हमें बैग लेना ही था, तो इसके पापा ने बोला कि ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं, क्योंकि जाने का थोड़ा सा टाइम नहीं लगता और मार्केट थोड़ी सी दूर होगी और अच्छा नहीं होता सामान, कई बार हम पहले भी लाए तो वो बैग अच्छे नहीं निकले हमारे, तो इसीलिए हमने इस बार सोचा हम ऑनलाइन मंगा के देखते हैं। तो ये वाला ऑनलाइन ये मंगवाया हमने, ये अर्बन कैरियर का बैग है ये, तो बैग बहुत अच्छा है, और ये हमें फ्लिपकार्ट से हमने मंगाया था, इस वाली क्वालिटी नहीं आया था फ्लिपकार्ट से, तो ये हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया है बैग। तो ये वाला बैग है, और इसमें ना ड्यूल चैन है इसमें, मतलब ये आगे की तो होती है ये, और एक ये वाली है जिप इसकी, एक ये जिप है, एक ये नीचे जिप है, और एक ये जिप है ये, और एक ये जिप है। तो ये देखिए,
उसमें 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 जिप वाला है ये बैग और काफ़ी अच्छी कंडीशन में है और बहुत ही अच्छा है और काफ़ी मतलब मजबूत भी है, क्योंकि बच्चों के जानते हो आप जैसे जैसे उनकी क्लासेस बढ़ती है, और क्लासेस क्या बढ़ती है, वो जब फर्स्ट क्लास में होते हैं तो उनकी बुक्स इतनी ज़्यादा होती है, बुक्स और उनकी नोटबुक इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चे ना फिर वो बैग भी इतना हैवी हो जाता है कि बैग सह नहीं पाता, हर बार बैग खरीदने ही होते हैं। और ये सभी घर की प्रॉब्लम है, सभी को बच्चों का यही होता है, तो सभी को बैग खरीदना ही होता है। तो हमने भी अभी बाबू का हमने बस अभी 2-3 महीने पहले बैग लिया था, तो उसका बैग ख़राब हो गया, तो इस बार फिर हमने ऑर्डर किया, हमने सोचा इस बार ऑनलाइन ऑर्डर करके देखते कि कैसा बैग आता है। तो बैग अच्छी कंडीशन में था तो हमने 2 बैग कर लिए। ये इसका कलर ना कुछ ग्रीन कलर पर है, ये ग्रीन और कार्बन कलर पर है, जैसे ग्रे कलर पर है, और जो दूसरा है वो ब्लैक कलर में। तो ये है ब्लैक कलर वाला, ये भी सेम कंपनी का ही बैग है, ये भी अर्बन कैरियर का ही बैग है, बट इसका कलर चेंज है ब्लैक कलर, और थोड़ी सी ना जिप में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, वो प्लास्टिक की उसमें जिप लगी है और ये थोड़ी सी उसकी स्टील वाली लगी है, और सेम है इसमें भी 5 इसकी जिप है। यहाँ ये देखिए, मतलब पूरे इसका जो पैटर्न है बिल्कुल सेम है, बस ये कि बैग अलग अलग है। तो हमने ये 2 बैग मंगाए और कल ही रिसीव है, और दोनों ही फ्लिपकार्ट से ही मंगाया था हमने। तो ये थी बैग, और हाँ, और इनके पापा के लिए मैंने एक बेल्ट ऑर्डर करी है, ये मेट्रोनॉट की बेल्ट है ये, तो ये बेल्ट ऑर्डर करी है। तो बेल्ट भी अच्छी कंडीशन में है, तो बेल्ट भी ख़राब ही हो जाती है, तो बेल्ट मंगाई गई हम ही, तो सोचा चलो इस बार ऑनलाइन में बेल्ट भी मंगा लेते हैं। तो ये इनके पापा के लिए ये बेल्ट है। तो यही थी शॉपिंग मेरी छोटी सी, तो आपको अच्छी लगी शॉपिंग तो प्लीज़ बताना। तो ये सब छोटी सी शॉपिंग थी, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और जन्माष्टमी भी आने वाली है तो सब लोग जन्माष्टमी अच्छे से मनाइए। तो जन्माष्टमी का मेरा व्लॉग आएगा तो प्लीज़ उसको भी देखिएगा, अगर आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट मेरे लिए बनाए रखिए, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।